हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन में आज का टॉपिक है अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें निकालना आता ही है और अभी तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाल रहे थे, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर में बोर्ड में सेकेंड ऑर्डर तक ही प्रॉब्लम पूछते हैं और मैक्सिमम अगर पूछा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। nth डेरिवेटिव तक की प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं पूछी जाती है, लेकिन nth डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फर्दर भी वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन इसी को देखते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मैंने लिया f(x) इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब साइन एक्स तो कैसा है, साइन एक्स तो सर्कुलर फंक्शन है और अगर सर्कुलर फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएट nth टर्म तक होता चला जाएगा। ठीक है, साइन का पहला डेरिवेटिव, जब पहला डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं उसे बोलूंगा f(x) एंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसे फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं, अगर पहले अपन इसी को देख लें, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसी को हम बोलते हैं d/dx। ओके, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को आप, क्योंकि फंक्शन को हम y से भी डिनोट करते हैं, फंक्शन को हम y से भी डिनोट करते हैं, इसलिए इसको y1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को या तो d/dx ऑफ y बोलते हैं या फिर y1 भी बोलते हैं या f(x) भी बोलते हैं। अब अगर ये फर्दर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा मतलब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो कॉस का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा साइन एक्स और साथ में माइनस। तो मैंने फर्दर डिफरेंशिएट करा, इसका मतलब वो कहलाएगा d/dx ऑफ d/dx। ओके, यहाँ पर अपन वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाता है d2 by dx2 ऑफ y, ऐसा भी बोलते हैं। ओके, सही प्रोनाउंसिएशन वैसे यही है, d2 by dx2 ऑफ y, लेकिन वो जल्दी में पढ़ने में d2 by dx2 बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखो। ये सेकंड डेरिवेटिव है तो आप उसको y2 भी बोल सकते हैं। तो f(x) या d2 by dx2 या y2, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने फर्दर डिफरेंशिएट किया है और सेकंड डेरिवेटिव निकाला। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1 या d/dx ऑफ y या फिर f(x), और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रही तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि मैंने फंक्शन ही ऐसा लिया है कि मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ। थर्ड डेरिवेटिव मुझे मिलेगा माइनस का cos x। ठीक, माइनस तो पहले से है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो मैंने क्या करा, फिर से डिफरेंशिएट किया है। अब की बार किसे डिफरेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा d3/dx3 ऑफ y। और इसी को आसान बना के लिखते हैं अपन y3। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं y3, y2, y1। उसी का मतलब होता है d3/dx3 ऑफ y, d2/dx2 ऑफ y एंड d/dx ऑफ y। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर हम उसे बोलते हैं nth डेरिवेटिव। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, nth डेरिवेटिव। ओके, nth डेरिवेटिव हमारे बोर्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हम अगली जो हमारी वीडियोज होंगी उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछते हैं। हार्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं और हार्डर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन वो ज़रूर डालते हैं, और उस एक क्वेश्चन में ये सेकंड डेरिवेटिव 100% पूछा जाता है। आसान है बिल्कुल, अभी तक आपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव को देखा और कहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट शेयर करो। ठीक है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और हमारे पास सिलेबस में कुछ नई चीज़ें भी हैं, अभी हम उन चीज़ों से फैमिलियर हो रहे हैं जो कि हमें पहले से थोड़ी बहुत आती हैं।
इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उनमें चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और जो अलग कॉम्पिटिटिव वाली क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं आपकी, जो चलने वाली हैं, जिनके वीडियोस तैयार हो चुके हैं, उसमें भी आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी अपन देखते हैं इसको, ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जनरल एग्जाम्पल लेके मैं स्टार्ट करता हूँ। y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास, उन्होंने बोला फाइंड f ट्रिपल डैश ऑफ x। ट्रिपल डैश ऑफ x का मतलब हुआ थर्ड डेरिवेटिव, सिंपल। पहला डेरिवेटिव में डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, y1। y1 का मतलब ही क्या होता है आपको मालूम है, y1 का मतलब होता है d/dx ऑफ y। इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये तो कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो आंसर आया 3ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, b तो कांस्टेंट, तो आंसर 2bx प्लस आंसर c और डी का 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, लेकिन हमें थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, कोई इशू नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 को ही लिखेंगे हम d2/dx2 ऑफ y, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें तो 3a तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x इंटू 3 तो 6ax प्लस b तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज y3। y3 इज इक्वल्स टू, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा कांस्टेंट 6 है, ये क्या है 2b, इसका 0, तो ये इसका d3y dx3 ऑफ y। इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। बहुत आसान लगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम इतनी इजी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स सिर्फ अपने समझने के लिए कि क्या मतलब है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। स्टार्ट करते हैं हम, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ y इज इक्वल्स टू a cos px प्लस b sin px, देन प्रूव दैट d2/dx2 of y plus p2y equals to 0। ये हमको प्रूफ करना है, बस यही हमें इंडिकेट कर देता है कि हमें कितने डेरिवेटिव निकालना है इसके, सिर्फ दो डेरिवेटिव। तो इसे दो डेरिवेटिव तक आप चलने दो, जब तक आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब पहला डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1 इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन px, और अब तक हमारा डिफरेंशिएशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमें मालूम है पहले cos डिफरेंशिएट होगा, फिर जो उसके साथ एंगल में मल्टीपल है यानी px, तो px का हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन px, और फिर px का आंसर कितना मिलेगा आपको 1p। ये हो गया पहला डेरिवेटिव, प्लस b कांस्टेंट है उसे बाहर रखा, साइन का डेरिवेटिव cos px और px का फिर से डेरिवेटिव एक और p मिलेगा हमको। ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं d/dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी d/dx आ गया हमारे पास। अब फर्दर डिफरेंशिएट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो कांस्टेंट लिखे हैं उन्हें आप चाहो तो एक साथ लिख दो, माइनस ap साइन px ओके प्लस bp कॉस px।
अब सेकंड डेरिवेटिव अपन यहां से निकाल लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने तो y1 का डेरिवेटिव y2 माइनस ए पी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos px, और px का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमें एक यहां से p भी मिलेगा, प्लस bp एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन px, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में px का p. डेरिवेटिव पार्ट अब आपका स्ट्रांग हो चुका है, आपको मालूम है कि इम्प्लिसिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इस तरह डिफरेंशिएट होते हैं. अब फाइनल रिजल्ट y2 इज इक्वल्स टू माइनस, एक काम करें अपन, ध्यान दो आप, माइनस का पी स्क्वायर मुझे कॉमन मिल रहा है तो माइनस का पी स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये पी इंटू पी स्क्वायर, और ये माइनस बाहर, तो अंदर मिला मुझे ए कॉस पी एक्स, ये माइनस और ये पी इंटू पी स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया हमारे पास, तो मुझे मिलेगा बी साइन पी एक्स. देखो ये स्टेप क्लियर हो गई. अब ए कॉस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स, ए कॉस पी एक्स प्लस बी साइन पी एक्स, ये दो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है. इसी को मैंने क्या नाम दिया, सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ y. अब इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं माइनस का पी स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू किससे मैच हो रही है, y से, पी स्क्वायर y. तो फाइनल आंसर मेरे पास आया y2 प्लस पी स्क्वायर y इक्वल्स टू जीरो. ये कंप्लीट हो गया. अब y2 तो आपको मालूम है y2 क्या होता है, डी टू बाई डी एक्स टू. आप चाहो तो उसे फिर से लिख दो, अदरवाइज वो अपने प्रॉपर मीनिंग पर है, सब चीजें क्लियर, इक्वल्स टू जीरो, दैट्स इट. इस तरह हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं. अगर वो हमसे थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव भी पूछते तो हम उतना निकालते. नेक्स्ट प्रॉब्लम, this next example is if y is equals to log inside the bracket 1 plus cos x, then prove that y1 y2 plus y3 equals to 0. y1 y2 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट y3 यानी थर्ड डेरिवेटिव के साथ अगर हम ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें थर्ड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं. स्टार्ट लेते हैं सिंपल. फर्स्ट डेरिवेटिव इज y1. y1 इज इक्वल्स टू पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, log, और ये 1 प्लस cos x शुड, ठीक है. इस पूरे को मैं x कंसिडर करूंगा, ये आपको मालूम है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा 1 प्लस cos x को तो मुझे आंसर मिल जाएगा माइनस साइन x. यहां से वैल्यू मेरे पास आ गई y1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x. अब मेरे पास वैसे तो दो ऑप्शन, या तो मैं 1 प्लस cos x को वहां शिफ्ट कर दूं और या यहीं पर ही मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दूं. दोनों में से मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूं और उससे मैं आंसर इजीली निकाल लेता हूं, ठीक है. सॉरी, यस, अपन या तो इसको यहां शिफ्ट कर लें और या फिर ऐसे. अब फिलहाल आसान क्या रहेगा, अपन एक काम करते हैं, इसको या तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y1 is equals to minus
साइन एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अपन इस तरह देखते हैं, एंड वन प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है और हमने उसे यूज कर लिया। ये अगर नहीं भी यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं और इसको वहां शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। सिर्फ जाना हमको कहां तक है, वाई टू और वाई थ्री तक जाना है। अब पहले तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वाई वन, वाई वन इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल और कॉस से एक पावर कैंसिल, मुझे मिला माइनस टेन एक्स बाई टू। ये मेरे पास वैल्यू आ गई y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को मुझे फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया हूं। फर्दर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, y2, y2 इज इक्वल्स टू माइनस 10, द डेरिवेटिव ऑफ 10 इज sec स्क्वायर, ओके sec स्क्वायर x बाई टू। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू को मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिल रहा है 1 बाई टू। यहां से मेरे पास एक रिजल्ट और आ गया y2। अब क्या करूं मैं, मुझे तो थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, तो कंटिन्यू रखता हूं इस प्रॉब्लम को। y3, y3 इज इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह पर sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी 2 sec x by 2, ओके इसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, sec का डेरिवेटिव, पहले मैंने पावर का किया 2 आगे, अब मैं sec का डिफरेंशिएशन करता हूं, लिख देता हूं मैं उस स्टेप को, नाउ d by dx ऑफ sec x by 2 और आउटसाइड द ब्रैकेट मेरे पास पहले से 1 by 2। ये स्टेप क्लियर हो गई, पहले पावर डिफरेंशिएट हुआ तो पावर आगे आया और एक कम हुआ, फिर sec को डिफरेंशिएट करना, तो y3 की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस 2 sec x by 2 इंटू d by dx ऑफ sec x by 2 इज sec x by 2 tan x by 2, ओके अब किसका डिफरेंशिएट होगा, देखो पहले तुमने पावर का किया फिर sec का किया, अब x by 2 का भी होगा और x by 2 तुम्हें रिजल्ट देगा 1 by 2। और देखो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर कौन है पहले से, ये 1 by 2। यहां तक क्लियर हुआ, अब अपन एक काम करते हैं, ये 2 से अंदर वाला 2 कैंसिल कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट जो बचा उसको देते हैं, y3 इज इक्वल्स टू माइनस, एक माइनस दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर देगा sec स्क्वायर x by 2, ओके sec स्क्वायर x by 2, ओके एक गलती अपन ने यहां पर करी है, वाई वन टेन नहीं, ये वाली रिजल्ट भी क्लियर है, चलो यहीं से देखते हैं फिर अपन। यहां पर क्या मिला आपको, टेन एक्स बाई टू, टू से ये टू कैंसिल कर दिया है मैंने, एक वन बाई टू बाहर है, sec स्क्वायर इंटू टेन एक्स बाई टू और साथ में मेरे पास है एक वन बाई टू, यस ओके यस ये सही है, ये सही करेक्ट है बिल्कुल, यस देखो आप यहां पर ये हो गया वाई थ्री इज इक्वल्स टू, ये रिजल्ट हम ध्यान से देख लेते हैं, इन दोनों को मिलाकर ये क्या लिखा है आपके पास, ये लिखा है sec स्क्वायर x बाई टू और उसके साथ कौन, वन बाई टू, तो ये वन बाई टू और sec स्क्वायर x बाई टू, वन बाई टू और sec स्क्वायर x बाई टू साथ में माइनस, इन तीनों की जगह पर कौन आ रहा है मेरे पास, इन तीनों की जगह पर मुझे मिल गया माइनस का वाई टू। अब टेन एक्स वाई टू बचा, ओके टेन एक्स वाई टू, टेन एक्स वाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई, तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई वन, तो फाइनल आंसर हुआ वाई थ्री प्लस वाई वन वाई टू इक्वल्स टू जीरो, यस क्लियर। ये माइनस वाई वन इसकी जगह पर रख दिया मैंने, टेन एक्स बाई टू की जगह माइनस वाई वन और ये वन बाई टू और sec स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू ऊपर थी, ठीक है तो उसकी जगह पर मेरे पास वैल्यू आ गई वाई टू, तो फाइनल रिजल्ट इज वाई थ्री प्लस वाई वन प्लस इंटू वाई, वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू जीरो।
सिर्फ इसी तरह हमको इसे कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यस, एक्चुअल में थोड़ा सा रहता क्या है इन क्वेश्चन में, हम कैसे भी कर सकते हैं, आप यहां पर क्वेश्चन रूल लगा के भी निकाल सकते हो, पर जिससे जल्दी आंसर आए, इस वजह से अपन ने इसे चेंज किया था। इससे क्या कंडीशन थोड़ी सी आसान हो गई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हो। एक ये भी तरीका रहता है कि हमारे पास अगर प्रूफ में क्या चाहिए था, y1, y2 और y3, तो हम एज इट इज y1 निकाल लें, y2 निकाल लें, y3 निकाल लें, तीनों वैल्यूज को निकाल के आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये भी एक तरीका है। चलें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट then prove that inside the bracket 1 plus x square whole square plus 1 plus x square y1. Yes, into 2x भी है, 2x into 1 plus x square y1 equals to 2, ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का मतलब ये है कि हमें y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव तक तो जानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये डिपेंड करेगा कि आप प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो। स्टार्ट ले अपन यहां से। यस, वी हैव y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। सबसे पहला डेरिवेटिव यानी y1 d by dx, जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएट करा पावर आगे आ जाएगी और अंदर मुझे मिलेगा tan इनवर्स x। अब फर्दर डिफ्रेंशिएट कौन होगा, d by dx ऑफ tan इनवर्स x। ओके, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, पहले पावर पे tan। तो y1 यानी रिजल्ट मुझे मिला 2 tan इनवर्स x। ओके, एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, अब यहां से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 प्लस x स्क्वायर को आप यहां पर शिफ्ट कर दो, ये पहला डेरिवेटिव तो आ गया। अब मैंने क्या लिखा, 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको वहां, अभी पिछली प्रॉब्लम में मैं आपसे यही कह रहा था कि अपन किसी भी तरह कर सकते हैं, बस हमें यह देखना पड़ता है कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे प्रॉब्लम आसान हो जाए, है ना। मैं वहां क्वेश्चन रूल भी लगा सकता था, डिवाइड वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता था, लेकिन मैंने वहां पर क्वेश्चन को चेंज किया टेन एक्स बाई टू में। उससे क्या हो गया, स्टेप्स कम हो गए, कैलकुलेशन आसान हो गया। सेम यहाँ पर अगर मैं इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन रूल लगाता हूँ तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ तो स्टेप्स कम हो जाएंगे। आप ध्यान दो, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। अब मैं क्या करूँ, मैंने फर्दर डिफ्रेंशिएट किया, लिख देते हैं अपन यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट, तो हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। अब यहां ध्यान दो आप, डी बाई डी एक्स है और उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो वो कहलाता है डी टू बाई डी एक्स टू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर y1 लिखा है और उस y1 का फिर से डेरिवेटिव निकालता हूं तो उसे क्या लिख सकता हूं, y2। तो बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, y1 का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखूंगा y2। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस, अब मैंने वाई वन को छोड़ दिया और अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करा तो वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स इज इक्वल्स टू टू, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। y2 आ गया और y2 तक ही जाना था, मतलब क्वेश्चन खत्म, सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो आप, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, यहाँ से मिला मुझे 2x 2x और साथ में जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल में सिर्फ 2 वन जा 2, हैंस प्रूव। देखा आपने, बस इसी तरह आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में चलते रहना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर एक प्रॉब्लम और आती है जब पैरामेट्रिक फंक्शन दिया रहता है, बस उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन यहां से दो चार एग्जांपल और लेते हैं फिर देखते हैं उसे। यस नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, देन प्रूव दैट वाई टू then prove that y2 minus m square y equals to 0 and y2 minus m square y equals to 0। अब y2 मतलब second derivative बस, और ये तो exponential function यानी problem वैसे ही छोटी हो गई हमारे लिए। first पहला derivative y1 is equals to a, e to the power mx का e to the power mx ही रहेगा, फिर mx का फिर से करेंगे तो आंसर देगा m, प्लस b, e to the power minus mx का e to the power minus mx ही रहेगा, फिर माइनस इसका फिर से करना पड़ेगा तो ये आंसर देगा माइनस m। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आसान होता है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया am e to the power mx minus bm e to the power minus, ये रिजल्ट। अब फर्दर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया और मुझे जाना कहाँ तक है, सेकेंड डेरिवेटिव तक। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मैं निकालूंगा y2 is equals to, यानी मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो am तो कांस्टेंट है, बाहर रखो e to the power mx का डेरिवेटिव e to the power mx और फिर से mx का डेरिवेटिव एक और m देगा, क्लियर। am कांस्टेंट बाहर, e to the power mx का डेरिवेटिव e to the power mx और mx का फिर से करेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन तो m मिलेगा, माइनस bm, फिर e to the power minus mx का रिजल्ट e to the power minus mx ही रहेगा और माइनस mx का करेंगे तो एक माइनस m भी आएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव तक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव तक अगर कंप्लीट हो गया तो y2 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये रिजल्ट आया। इस पूरे रिजल्ट, क्योंकि डेरिवेटिव हो चुका है, सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाना था, इसलिए इसमें से हमने क्या करा, एम स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। जब एम स्क्वायर कॉमन निकाला तो मुझे रिजल्ट मिला ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एम एक्स, ये तो हमारी प्रॉब्लम थी, यानी ये किससे डिनोट हो रही है, वाई। तो यहां पर मैं एक वैल्यू रख सकता हूँ वाई, मुझे रिजल्ट मिलेगा वाई टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। y2 is equals to m square y का मतलब हुआ y2 minus m square y equals to
जीरो, ये डिफरेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने की वजह से इसका रिजल्ट बहुत आसान हो गया, लेकिन प्रोसीजर पे आप ध्यान दो, ये इजी पार्ट होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमें मिलता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, यस, नेक्स्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, प्रूव दैट चलो क्या है प्रॉब्लम, ये प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू जीरो। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग इसको भी कहां तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाना है और कुछ भी नहीं। प्रोसीजर सेम एज इट इज, पहला डेरिवेटिव वाई वन, अगर पहला डेरिवेटिव निकाल रहा है ई टू दी पावर, ये पूरी चीजें क्या कहलाएंगी, एक्स, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, ठीक। अब क्या करोगे, आप फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ m cos इनवर्स x, क्लियर। पहले e का करा आप y1 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर m cos इनवर्स x, एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स इज माइनस वन अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये रिजल्ट थोड़ा सा अपन को किस फॉर्मेट में ले जा रहा है, ध्यान दो आप, m e टू द पावर m cos इनवर्स, e टू द पावर m cos इनवर्स, ये तो फॉर्मूले में सॉरी प्रॉब्लम में y दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसे लिख दूं m y अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू बस इसी तरह। एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितने भी रिजल्ट होते हैं उनमें फंक्शन वापस नहीं मिलता हमको, जैसे कॉस इनवर्स लिखा यहाँ कहीं कॉस इनवर्स नहीं है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कॉस इनवर्स नहीं होगा, तो इसलिए आप उनको वहां से हटा सकते हो। e टू दी पावर m cos इनवर्स की वैल्यू y थी, मैंने वहां y रख दी, ये माइनस एम वाई अपॉन अंडर रूट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब या तो आप इसका एज इट इज फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो एज इट इज, या फिर मैं आपको रूट हटा के बताता हूँ। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वेयरिंग, अब मैं स्क्वेयरिंग क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको क्लियर होगा। मैंने स्क्वेयरिंग करी तो मुझे रिजल्ट मिला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई वन का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ध्यान दो, मैंने इस टर्म का स्क्वेयर कर दिया, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन, लेकिन स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने में क्या हुआ कि अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया हमें। अब अगर अंडर रूट हट गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब मैंने यहाँ किसको छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट करो और इस तरफ ध्यान देते हुए y 1 का स्क्वायर, तो पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो 2y 1 मिलेगा, फिर y 1 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा तो वो रिजल्ट क्या देगा आपको, y 2, y 1 यानी d by dx फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके पास, y1 क्यूब, अब y1 क्यूब लिया है तो पहले पावर का होगा 3y1 स्क्वायर, ये पावर 3 आगे आई और एक पावर कम हो गई। अब y1 का भी तो करना है तो रिजल्ट हो जाएगा y2,
इस तरह से अपन इनको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप उनकी जगह पर डी बाई डी एक्स लिख दो तो आपको और आसान लगने लगेगा, ठीक है, पहले पावर का। पर ये फॉर्मेट मुझे ज़्यादा लगता है कि ईजीएस्ट है, वाई वन वाई टू वाई थ्री लिखना। यस, अब मैंने इसे डिफरेंशिएट करा तो मुझे रिजल्ट मिल गया 2y1, और y1 का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 प्लस, ओके, ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा तो मुझे मिलेगा 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, लेकिन y1 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में 2y और y का फिर से y1। ये क्लियर हो गया, वाई स्क्वायर में पावर आगे आई और फिर y का। इस पूरे में से ध्यान दो आप, मैंने किसको कॉमन ले लिया, 2y1 थ्रू आउट कॉमन मिल गया मुझे, 2y1 2y1 और 2y1 उधर से मैं कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ बचा गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, 2y बाहर 1 माइनस माइनस 2 और y बाहर 1, तो एक्स वाई वन, वाई वन स्क्वायर है एक बाहर हो गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एम इस 2, क्या बाहर लेना था मुझे 2, तो 2y1 मैंने बाहर ले लिया 2 और y1, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा एम स्क्वायर y। ये 2y1 से ये 2y1 कैंसिल, फाइनल रिजल्ट मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, यस, माइनस इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आप ये ध्यान से सुनो कि ये कोई जरूरी नहीं था कि मैं स्क्वेयरिंग करता, बिना स्क्वेयरिंग के भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन स्क्वेयरिंग करने से मुझे लगा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। एक और प्रॉब्लम लेते हैं और फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, एक क्लास प्रॉब्लम, यस, y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x, प्रूव दैट x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, यस, एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो यस। अब इन सभी में मैक्सिमम थर्ड डेरिवेटिव तक की प्रॉब्लम थी, है ना, इसमें कहा था कि वाई टू यानी दो बार ही डिफरेंशिएट करना, यस। अब आप यहां ध्यान दो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वाई वन यानी पहला डेरिवेटिव ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है कॉस, कॉस का आंसर होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ओके, अब डिफरेंशिएट कौन होगा लॉग, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ओके, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन की प्रॉब्लम है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, पहले कॉस होगा फिर लॉग होगा। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ प्लस बी, अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, ओके, अब लॉग फर्दर डिफरेंशिएट होगा तो आंसर देगा वन अपॉन एक्स। अब मैं यहीं के यहीं, ये तो मेरे पास आ गई सिंपल स्टेप, अब मैं यहीं के यहीं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं आप ध्यान दो, मैंने यहां एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये एक्स और ये एक्स दोनों एलसीएम में इस तरफ आ गए और मुझे स्टेप मिल गई एक्स वाई वन, एक्स वाई वन, एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू यहां क्या मिला माइनस ए
साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ओके हो गया। अब ये फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखने लगा तो फर्दर डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मैं यहां लिख लेता हूं डिफरेंशिएट अगेन। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहां तो दो फंक्शन हो गए, एक एक्स और एक वाई वन, तो मैंने एक्स को छोड़ दिया, तो वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, प्लस मैंने वाई वन को छोड़ दिया तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। ये डिफरेंशिएट, ये इक्वल, यहां पर माइनस है आउटसाइड द ब्रैकेट। अब इनसाइड द ब्रैकेट अगर अपन चलते हैं तो साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, प्लस बी, ये फिर बाहर लिया मैंने। अब माइनस कॉस, वो सॉरी कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स, कॉस का माइनस साइन, और लॉग एक्स का फिर से वन अपॉन एक्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से मुझे एक्स और एक्स क्या मिल रहा है एज ए एलसीएम, उसको फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो आंसर देगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। ये स्टेप क्लियर हुई, ये एक्स इसके नीचे एक्स पूरे के, इस पूरे के नीचे एक्स, एक्स और एक्स एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जो यहां बचा उसको ध्यान से देखो, यहां सिर्फ माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो मुझे मिल रहा है ए कॉस लॉग एक्स, और माइनस बाहर आ गया तो मुझे मिला बी साइन लॉग एक्स। ओके, ये वैल्यू किसी से मिल रही है, यस, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से आगे हमें जाना नहीं है, और ये वैल्यू किससे मिली, प्रॉब्लम यानी वाई, तो इसकी जगह पर आ गया माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू माइनस वाई। सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ इसी तरह आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन को लेके। टिल देन बाय।